हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ ओप्पो के 31 डिवाइस के बारे में। एंड गाइस, आज के मैं टॉपिक होने वाला है वो है आंसर कॉल एंड इनकमिंग कॉल के बारे में अपन बात करेंगे। गाइस, मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में किस प्रकार से आंसर कॉल एंड इनकमिंग कॉल को फ्लिप एंड लिफ्ट मोड में ऑन कर पाएंगे। एंड गाइस, किस प्रकार से यहाँ पर सेटिंग मिलेगी एंड आपको सेटिंग कहाँ मिलेगी, सर के सारी कुछ जानकारी गाइस मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। आंसर कॉल एंड इनकमिंग कॉल के बारे में, किस प्रकार से आप अपने आंसर कॉल को लिफ्ट करेंगे एंड फ्लिप कॉल को फ्लिप करेंगे गाइस इनकमिंग कॉल को, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में गाइस। तो सबसे पहले आपको देखिए अपनी सेटिंग ऑन कर लेना है, फिर आपको सिस्टम सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा गेस्चर एंड मोशन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड गाइस, यहीं पे आपको देखिए ऑप्शन मिलेंगे लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का। जैसे ही आप अपने फ़ोन में आंसर आ रहा है, आपके फ़ोन में कॉल आ रहा है, एंड गाइस उसको आपको आंसर में करना है, तो आपको यहाँ पे अगर सेटिंग आना है आपके फ़ोन में, तो आप इसको अगर लिफ्ट करेंगे इधर उधर अपने फ़ोन को हिलाएंगे, तो गाइस आपका फ़ोन जो है आंसर हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं फ्लिप म्यूट इनकमिंग कॉल। अगर आप अपने इनकमिंग कॉल को म्यूट में करना चाहते हैं, तो गाइस आप अपने फ़ोन को जो है थोड़ा फ्लिप करेंगे इधर उधर, तो आपका फ़ोन जो है गाइस इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाएगी। कोई सेटिंग ऐसे भी ऑन कर लेना है गाइस, आपको इन दोनों सेटिंग को ऑन कर लेना है, आप अपने फ़ोन को लिफ्ट कर सकते हैं एंड फ्लिप कर सकते हैं। आपके फ़ोन में आंसर कॉल एंड इनकमिंग कॉल हो जाएगी, यानी कि म्यूट इनकमिंग कॉल हो जाएगी गाइस। तो आप इस प्रकार से अपने डिवाइस में मस्त तरीके से कॉल को मस्त तरीके से खेल सकते हैं। सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।